स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में अंडा शामिल करने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी और सामाजिक जंग लगातार जारी है और इसी बीच अंडे के विरोध को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार किसी को भी अंडा खाने को लेकर बाध्य नहीं कर सकती। स्कूल शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की है सुराज संवाददाता सत्ताशपुर ने। को लेकर सदन से सड़क तक विरोध जारी है, इस बीच सरकार क्या फैसला करती है, इससे चर्चा के लिए हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री साय जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, अंडे को लेकर चौतरफा विरोध जारी है लेकिन फैसला कुपोषण को दूर करने के लिए है, क्या कहेंगे? मुख्य उद्देश्य ये है कि कुपोषण को दूर करना है और उसके लिए सभी जगह दूध भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, आपका सेव फल भी दे रहे हैं, तो सभी जगह दे रहे हैं। मतलब कुपोषण दूर करने के लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रहे हैं। उसमें चूंकि अब अंडा चूंकि सस्ता है, अंडा भी उसमें ऐड किया गया है और अंडा को मतलब कैसे देंगे, ये इसका सारी प्रक्रिया का वहाँ के पालक और इसका प्रबंधन करेगा। ये जो अंडे का फैसला उसको धर्म संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर धरना प्रदर्शन रोड ब्लॉक करना जारी है, जैसे कबीरपंथी के लोग कल रात से लोग धरना प्रदर्शन पे थे, रोड ब्लॉक किए। कबीरपंथी के शिरोमणि आदरणीय प्रकाश मुनि जी से मुख्यमंत्री जी की और सबकी चर्चा हुई है और सबकी सहमति से उनकी भावनाओं को रखा गया है, इसलिए हम लोग ने उनकी भावनाओं को रखते हुए हम लोग ने वहाँ पालक और स्कूल प्रबंधन को उसमें कहा भी किया कि इसको लोग अंडा खा सकते हैं, वो लोग नहीं खाएंगे, जो लोग नहीं खाएंगे तो वो लोग वो तय करेंगे कि यहाँ देना है कि घर में देना है। सर, ये अंडा को देने के लिए किस तरह का आधार रहेगा, क्या स्कूलों में दिया जाएगा या कुपोषित बच्चों को उनके घर में दिया जाएगा? ये पूरी व्यवस्था और लोग करेंगे, आपका स्कूल प्रबंधन करेंगे और समिति करेगी जी। तो ये शिक्षा विभाग का फैसला है, आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं तो क्या प्रदेश की जनता, प्रदेश के जो बालक बालिकाएं हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं, उनको उनका कुपोषण दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली पहली बात तो ये है। और हमने किसी को जबरदस्ती को कोई बात कही नहीं, हमने दूध भी दे रहे हैं, हम फल भी दे रहे हैं, बाकी जो 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 दूसरे न्यूट्रिशन हो वो भी दे रहे हैं, तो इसमें चर्चा होनी चाहिए कि सारा दिया जा रहा है और कुपोषण दूर होना चाहिए उसमें। क्या कोई सर्वे हुआ था कितने परसेंट बच्चे कुपोषित हैं या इसको किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, अंडा कहाँ से आएगी? क्या चीज मैं सुन ही पाया, कितने प्रतिशत बच्चे प्रदेश में कुपोषित हैं, कुपोषित हैं? लगभग लगभग 45% कुपोषित जी। और ये जो अंडा की व्यवस्था है प्रदेश से कैसे की जाएगी, कहीं एक जगह से उसका होगा या स्थानीय लेवल से खरीदी होगी? वो सभी स्थानीय लेवल से होगा, स्थानीय लेवल से करेंगे जी। तो अभी आपने सुना शिक्षा मंत्री जी को, जिनका साफ कहना है कि ये अंडा जो है कितना भी विरोध हो बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए फैसला लिया गया है जो आगे चल के देश के भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्याराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में अंडे पर सियासत लगातार जारी है और इसी मामले को लेकर आपको बता दें कबीरपंथी समाज ने नवाखेड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है। इधर अंडे पर कबीरपंथी समाज के विरोध को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने स्पष्ट आदेश निकाला है, उसमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। छत्तीसगढ़ के 40% बच्चे कुपोषित हैं, सरकार ने विकल्प के तौर पर फल, केला और दूध को रखा है। उन्होंने आगे कहा कि विरोध नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के बच्चों की सेहत का सवाल है, हम विकल्प रखे हैं, किसी को सरकार जबरदस्ती नहीं खिला रही है। सबसे बड़ी बात, शाला संचालन समिति को पूरा अधिकार दे दिया है, शाला संचालन समिति चाहे जो निर्णय ले उस निर्णय के लिए सरकार ने निर्देशित कर दिया है। विकल्प के तौर पर रखा है, जिसको फल दूध या अंडा जो लेना है वो ले, विकल्प के तौर पर, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, हम किसी के धार्मिक भावनाओं को कोई ठोस पहुंचाने नहीं चाहते। कोरबा जिले के गढ़पुरा में जेल ब्रेक मामले को लेकर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की जांच कमेटी ने पार्टी को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक सौरभ सिंह ने एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि विचाराधीन कैदी की मौत पर भाजपा विधायक दल ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें रमेश कुमार की कस्टडी में हत्या होने की बात सामने आई है। धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई सरकार में कस्टोडियल जेल मामला नया नहीं है, जांच में ये पाया है कि रमेश की कस्टडी में हत्या हुई है, जिसकी जांच की मांग की गई है। ये मृत्यु जेल के अंदर हुई है और निश्चित ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु हुई है जेल के अंदर, बाद में उसको बताया गया है
कि उसकी मृत्यु हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही है करके, और वो जेल ब्रेक किया था, जेल ब्रेक किया था कि नहीं किया था इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो ये मामला है करके कुल को, जैसे जिस तरह से कस्टोडियल डेथ के मामले चल रहे हैं करके, उसमें भी अभी जेल के अंदर एक डेथ का मामला है। कर्नाटक का संकट कल दूर हो सकता है, कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। कल आपको बता दें कर्नाटक के कई मसले को लेकर रायपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वो फ्लोर पर होगा, इसमें अभी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। भाजपा की नीयत साफ नजर आ रही है, गोवा में हमने देखा, वो कहते हैं हमारा कोई हाथ नहीं। गोवा में उन्होंने कांग्रेस के 2-4 लोगों को मंत्री बनाया है, ये प्रलोभन कैसे नहीं हुआ? बीजेपी नेता करके ऐसा करके देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। वहीं इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसका फैसला होना है और विधानसभा अध्यक्ष के कार्य में हम दखल नहीं देंगे। ये फ्लोर पे होगा और अभी उसमें कोई टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं है। जो भाजपा की नीयत है वो साफ नजर आ रही है, आपने गोवा में देखा, वो कहते हैं हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर आप प्रलोभन ना दें और उनमें से देखिए कांग्रेस के लोगों को 4 को जो उन्होंने मंत्री बनाया और शपथ दिए, तो प्रलोभन कैसे है? ये लालच से जिस तरह से ये कर रहे हैं पूरे इस देश की राजनीति को बर्बाद और लोकतंत्र को बर्बाद, इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय में इसका फैसला होना है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनके कार्य में दखल नहीं देंगे। अब विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष है उनको निर्णय करना है कि कितने लोग जिन्होंने अपने सही फॉर्म भर के दिए उनके बारे में क्या करना। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और राज बब्बर रायपुर पहुंचे, यहां से दोनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माताजी के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भिलाई रवाना हो गए। राज बब्बर ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माताजी के निधन का दुख है और वे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। भूपेश बघेल की परिवार में जो हादसा हुआ है, माता श्री का देहांत हुआ है, उसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में कुपोषण दूर करने के लिए भूपेश सरकार कई कारगर योजना ला रही है और इसी कड़ी में सरकार ने अब आदिवासियों को गुड़ बांटने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार आदिवासी बाहुल्य इलाकों में चना का वितरण करेगी। भूपेश कैबिनेट गुड़ बांटने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत अब राशन दुकानों में प्रत्येक आदिवासी परिवार को हर महीने 2 किलो गुड़ मिलेगा। एक रिपोर्ट देखिए। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार मूल निवासियों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर है। आदिवासियों में कुपोषण को दूर करने सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार को पता है कि आदिवासियों में कमजोरी और एनीमिया की बीमारियां अधिक हैं, लिहाजा सरकार आदिवासियों को पौष्टिक आहार बांट रही है। पहले सरकार आदिवासियों को हर महीने राशन दुकान से 5 किलो चना बांट रही थी, अब सरकार प्रत्येक आदिवासी परिवार को हर महीने 2 किलो गुड़ भी देगी। बीते दिनों इस योजना को मंजूरी भूपेश सरकार ने कैबिनेट में दी थी। मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस योजना के बारे में बताया कि इस योजना की शुरुआत बस्तर संभाग से की जा रही है। बस्तर के सभी जिलों में प्रत्येक आदिवासी परिवार को राशन दुकानों में गुड़ मिलेगा। इस योजना से न सिर्फ आदिवासी परिवार लाभान्वित होंगे बल्कि गन्ना किसानों को भी इसका फायदा होगा। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बस्तर के पूरे क्षेत्र में, मतलब 7 जिलों में, प्रति परिवार 2 किलो गुड़ का भी वितरण प्रारंभ किया जाएगा। इससे 2 बातें होंगी, बस्तर के जनजीवन में गुड़ प्राप्त होगा और छत्तीसगढ़ में शुगर केन का एरिया लगातार बढ़ रहा है, शक्कर के कारखाने में उत्पादन के बाद भी अकेले कवर्धा जिले में लगभग 400 से ज़्यादा
गुड़ उत्पादक संयंत्र लगे हुए हैं, तो पूरे प्रदेश के हमारे किसानों को इससे सीधा लाभ होगा और उनसे ही सीधी खरीदी करके बस्तर में गुड़ का वितरण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से आदिवासी परिवारों में खुशी की लहर है। महंगाई के इस दौर में आदिवासी परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत की तरह है। सरकार की इस योजना के लिए आदिवासी महिलाएं सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। वे अच्छी तरह जानती हैं कि उनके लिए बाजार से चना या गुड़ खरीदना आसान नहीं था। ऐसे में सरकारी राशन दुकानों से उन्हें सहजता के साथ चना और गुड़ मिल जाएगा। उससे काफी फायदा है। देसी चना जो होता है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और उसके साथ जो गुड़ मिल रहा है वो तो और फायदेमंद है कि अगर उसको भिगो के, चना को भिगो के गुड़ के साथ खाया जाए तो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये योजना बहुत ही अच्छा है जिसका फायदा हर एक गरीब परिवार को मिल जाएगा। सरकार आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें गुड़ बांटने की योजना कुपोषण से मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और इसका लाभ लेकर आदिवासी परिवार भी सशक्त होंगे। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और अखबार रायपुर से है, जहां निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे अब फोन टैपिंग के मामले में गवाही देने नहीं आएंगे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि ईओडब्ल्यू को उनकी तरफ से जो बयान दर्ज करने हैं वो कर सकती है। अवैध फोन टैपिंग और पद के दुरुपयोग मामले में मुकेश गुप्ता आरोपी बनाए गए हैं। दुर्ग के साडा की जमीन फर्जीवाड़े में मुकेश गुप्ता पर दुर्ग पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है, जिस पर उनकी गिरफ्तारी के लिए दुर्ग पुलिस ने दिल्ली सहित कई जगह पर छापे मारे। उनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, दर्शकों को बता दें, पुलिस ने दिल्ली में आईपीएस के घर पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी, लेकिन गुप्ता वहां मौजूद नहीं थे। मुकेश गुप्ता पर धोखाधड़ी करके जमीन का आवंटन कराया था, जिसकी शिकायत के आईपीएस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी अब गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। आपने मेरा काम पहले भी देखा है, अभी क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हो। खबर बिलासपुर से, जहां पर पौधारोपण और विवेक तनखा मेमोरियल में शिक्षण सामग्री वितरण के कार्यक्रम में आए छत्तीसगढ़ के मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा है कि आयकर विभाग लोगों से फ्रेंडली और सर्विस देने वाला विभाग बन रहा है। जल्द ही लोगों को सीए, अकाउंटेंट और अधिकारियों से डीलिंग से छुटकारा मिलेगा। आयकर विभाग सिस्टम को सरल बना रहा है ताकि सभी स्वयं अपना काम कर सकें। ई टैक्स से इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया कि जो लोग टैक्स नहीं चुका रहे हैं या कम चुका रहे हैं उन्हें जल्द भरना चाहिए, देर से चुकाने पर भारी जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, विजय माल्या की टैक्स चोरी पर पूरी भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन इसका रिजल्ट मीडिया तुरंत चाहता है। बालोद में जैन समाज द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रोटीन के रूप में बच्चों को अंडा परोसने के आदेश का विरोध किया गया। जैन समाज ने कहा है कि अंडा मांसाहारी होता है और आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी वर्ग समूह के लोगों के बच्चे आते हैं, जिन्हें पोषण आहार के रूप में मांसाहारी न परोसा जाए। जैन समुदाय ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर यहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और विरोध प्रकट किया है। हम इसी विरोध को यहाँ प्रकट करने आए हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि आने वाले समय में जो ये निर्णय लिया गया तत्काल प्रभाव में ये वापस हो। रेलवे के निजीकरण से आक्रोशित लोको पायलट और रनिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे का उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारी माइलेज भत्ता 1980 के आधार पर निर्धारित करने सहित 7 बिंदुओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रेलवे का निजीकरण और निगमीकरण किए जाने से नुकसान होगा।
नोटिफिकेशन जो लागू किया था सातों पे कमीशन का 1 जनवरी 2016 से किया था, लेकिन आज पूरे पूरे 3 साल हो गए, 3 साल तक हम लोग वंचित हैं अपने अधिकार के लिए, इसीलिए आज हम भूख हड़ताल कर रहे हैं आरएसी 1980 के फार्मूला के अनुसार माइलेज रेट निर्धारण करने के लिए। जांजगीर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के कछुआ शाल से लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकर्ताओं ने नगाड़ा बजाते हुए रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया। आपको बता दें चापा में रेलवे ओवरब्रिज का काम पिछले 6 साल से चल रहा है, जबकि इसको 2.5 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। ओवरब्रिज के निर्माण की वजह से रेलवे का फाटक बंद है और सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। इसी बात को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। रेलवे प्रशासन के खिलाफ नगाड़ा बजाओ संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। रेल प्रशासन को जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है उसे जगाने के लिए नगाड़ा बजाओ कार्यक्रम यहाँ चापा संघर्ष समिति के बैनर तले यह आयोजन किया गया है और कल से ही रेल प्रशासन हमारे अल्टीमेटम देने के पश्चात हरकत में आ गई है और हमसे संपर्क करके बातचीत करके उसका हल निकालना चाह रही हूँ। खदान संचालकों के नियमित खदान संचालन और रोज खदान में लगभग 100 विस्फोट करने से अबनपुर के ग्राम दुल्ला में मंदिरों घरों यहां तक कि महानदी पर बने निकट में भी दरारें आ गई हैं। यहां आधा दर्जन क्रेशर खदानों में चल रही मनमानी से ग्रामीणों की जान माल और पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान की शिकायत ग्राम विकास समिति ने कलेक्टर से की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी थी, जिन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सभी खदानों का निरीक्षण किया, बयान लिए और अनियमितताओं की जांच की। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपा जाना है। शिकायत यहाँ यही है कि खदान जो है अधिक गहरा हो गया है और धूल आए दिन उड़ता रहता है, ब्लास्टिंग बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। ये समस्या हल होना चाहिए। खदान का कोई भी बाउंड्री वाल नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ, बच्चों को पढ़ाई में भी असर पड़ता है, दोपहर को 40 से 50 ब्लास्ट करते हैं यहाँ। ये समस्या ग्राम दुन्ना की समस्या है सर, यहाँ चार पाँच कलेसर है और 15-20 साल से माने ग्रामवासी से परेशान है। यहाँ हाई ब्लास्टिंग किया जाता है और यहाँ पर्यावरण भी कुछ नहीं है, पर्यावरण के बारे में कुछ झाड़ कुछ नहीं लगाए हैं और धूल धक्कर से माने पूरा गाँव वाले परेशान है। पैचेस थी जिन पर आज जाँच करने के लिए राजस्व विभाग की टीम पूरी आई हुई है और जाँच जो है कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं अभी, और इनकी शिकायतों पे अभी पंचनामा तैयार किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड जांच और मौका निरीक्षण जो है किया जा रहा है और जैसा भी उसका जांच उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर महोदय को हम प्रेषित करेंगे। आरंग में पिछले 3 महीने से मेंटेनेंस के नाम पर हो रही बिजली कटौती से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बिजली 3-4 घंटे के लिए बंद हो जाती है। जनप्रतिनिधियों के कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं शासन ने राशन कार्ड नवीनीकरण का आदेश जारी कर दिया है जिससे लोक सेवा केंद्रों में भीड़ लगी रहती है, लेकिन बिजली बंद होने से दूर दूर से आए लोगों को खासा परेशानी हो रही है और काम भी नहीं हो पा रहा। विभाग ने जुलाई से पूर्व मेंटेनेंस का काम पूरा होने की बात कही थी, लेकिन जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी काम जारी है। हम सर, ये मंत्री जी का क्षेत्र होने के बावजूद ये इस तरीके से अगर अघोषित बिजली कटौती की जाती है तो आने वाले दिनों में बिजली ऑफिस का घेराव कर विद्युत व्यवस्था बहाल करने की मांग करेगी और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे उग्र प्रदर्शन करेगी। उसका रोड बैंडिंग का काम है, ये कॉन्ट्रेक्टर का अवार्ड हुआ है, उसका अभी दोनों सप्लाई टाउन 1 टाउन 2 का सप्लाई 2.83 है, ये दोनों हॉस्पिटल को बंद कर दिए। रायपुर के जिला मलेरिया एवं डेंगू नियंत्रण कार्यालय में दवा पर्चे और रिपोर्ट डायरी को कोड़े में रखने की खबर चलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि दवा एक्सपायर होने से 6 महीने पहले जिला कार्यालय या ड्रग कंट्रोलर को सूचना दी जाती है, लेकिन ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है। अगर इस तरह की लापरवाही हुई तो इसके लिए जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। इस मामले में मलेरिया एवं डेंगू नियंत्रण जिला अधिकारी डॉक्टर ने कहा है कि जिला मलेरिया और डेंगू नियंत्रण में है और जिला मलेरिया मुक्त होने के कगार में है। ऐसी स्थिति में भंडार में दवा नहीं होगी तो क्या सोना होगा। आपको बता दें रायपुर में डेंगू की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। तो या तो नियम वही है कि नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उसको पहुंचाया जाए
जल्दी एक्सपायरी, मतलब करीब अगर 6 महीना पहले एक्सपायरी बात हो रहे हैं तो 6 महीना पहले सूचित करना है आसपास के चिकित्सक को, डॉक्टरों को, अगर वहाँ जरूरत हो दे। नहीं जरूरत है तो उसको अलग से रखना है, सेपरेट जगह में रखना है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर गुड़गांव से धूपकोट तक बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। साल भर में ही पूरी सड़क उखड़ गई है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, कहना मुश्किल है। साल भर में सड़क का क्या हुआ? 9 किलोमीटर की इस सड़क का निर्माण 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया गया था, मगर सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीणों की शिकायत पर सत्याग्रह समिति ने बीते दिनों सड़क का निर्माण किया और निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। समिति के सदस्यों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो 21 पुलिया स्वीकृति दिखा रहा है इस रोड में, पर या, हमारे जानते हैं धूपकोट से झुगली भाटा के जो बीच है वहाँ मात्र 3 पुलिया बना है, मात्र 3 पुलिया बना है। सत्याग्रह इन ग्रामीणों के साथ है और इनकी आवाज को हम जिला स्तर पर लेकर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो राजधानी स्तर पर जाएंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं तो हम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। कवर्धा जिला अंतर्गत सुदूर वनांचल ग्राम कड़वा में एक पोते ने दादी के सिर पर लोहे की रॉड से प्राण घातक वार कर हत्या कर दी। आरोपी पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या का मुख्य कारण आरोपी पोते दादी पर टू नहीं होने की शंका करता था, जिसके कारण ही उसने बच्चे और खुद बीमार पड़ रहे हैं। इसी कारण से आए दिन दोनों का विवाद होता रहता था। पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गरियाबंद में पदस्थ छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक आरक्षक ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी सहित खुदकुशी कर ली। सिपाही ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन अब इसका कोई कारण इसका सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि कोपरा गांव का रहने वाला मृतक अब अपनी ड्यूटी पर जेल नहीं पहुंचा तो उसे ढूंढने और फोन करने का प्रयास किया गया, घर का दरवाजा भी बंद मिला। इसके बाद आला अधिकारियों और परिजनों की मौजूदगी में ताला तोड़कर शव बरामद किया गया। सर्विस से रिवॉल्वर भी पास में ही पड़ी हुई मिली। फोरेंसिक जांच के बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही की बात कही है। और हम लोग सब मिलकर के जब दरवाजा खोल के देखे तो अंदर सुसाइड किया हुआ था, अपनी पत्नी को गोली मारी है पीछे से और स्वयं अपने सर्विस राइफल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुनागांव के आश्रित ग्राम शीर्षी में आज से 10 वर्ष पूर्व पंचायत सचिव द्वारा आंगनवाड़ी भवन बनाया जा रहा था, लेकिन सचिव का तबादला हो गया और भवन आज भी पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण नन्हे नन्हे बच्चों को किराए के मकान में शिक्षा दी जा रही है, जबकि नए आंगनवाड़ी भवन का 75% कार्य हो चुका है। ग्रामवासियों ने कई दफे इस भवन को पूरा कराने पंचायत और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है, मगर वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिलासपुर जिला विपणन संघ के द्वारा धान के उठाव में 16,000 टन धान के गायब होने का मामला यहां पर सामने आया है। सरकार को इससे 3 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। इधर मार्कफेड की डीएमओ धान की कमी को लेकर डीएमओ का कहना है कि सरकार इतनी गड़बड़ी को मान्य करती है, ट्रांसपोर्टिंग और धान के सूखने के कारण कमी आती है। डीएमओ एक तरफ ये कहती हैं कि धान अंकुरित हो जाते हैं इसलिए भी शॉर्टेज होता है, अब सूखा धान भी अंकुरित होता है ये पहली बार पता चल रहा है, धान शॉर्टेज होने का तो सवाल ही नहीं होता। तौल के समय किसान से 4 से 5 किलो सुकद का अलग से लिया जाता है, यानी 3 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी बिलासपुर मार्कफेड में हुई है। लिया जाता है तो जब हम संग्रहण केंद्र में उसको भंडारित करते हैं उसके निराकरण की स्पीड जो होती है और बारिश आती है, आंधी तूफान आते हैं, ये सारी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कुछ लॉसेस होते हैं जिसका हम शॉर्टेज। रिपोर्ट हमारा बनता है सर्वे का और एक अपाइजल रिपोर्ट बनता है सर्च का, वो रिपोर्ट जब तक नहीं बनता आपका एक्यूरेट फिगर हम दे नहीं सकते और देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सपोज हम बता दें 50 करोड़ उसके वहाँ मिला। और अब खबर महासमुंद से है, जहां पर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए चोर गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि बीते 13 जुलाई को आरोपियों ने सांकरा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट संजय कुमार यादव के साथ बंदूक के नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने पीड़ित पर पेट्रोल भी छिड़का था। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपियों के पास से लूट का सामान के साथ एक पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 96,000 नकद, 2 लाख के जेवरात, 7 मोबाइल फोन, 4 बाइक मौके से जब्त हुई हैं।
ले रहे हैं ताकि अन्य चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जा सके। अब तक जो रिकवरी है इस पूरी खुलासे में 2 लाख की ज्वेलरी हम लोग के पास बरामद हुई है, 96,000 कैश मिला है, 8 मोबाइल जब्ती हुए हैं, साथ साथ 4 मोटरसाइकिल बरामद किए गए जो इस चोरी की चोरी और लूट की घटनाओं में। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए सुरान एक्सप्रेस।